हरियाणा के यमुनानगर में सराफा दुकान में पहले एक युवक ने बतौर ग्राहक दुकान का जायजा लिया। इसके बाद मोबाइल पर पड़ोसी से बात कराने के बहाने सराफा व्यापारी को दुकान से बाहर निकाल दिया और कीमती जेवरों को तौलियों में समेट कर ले उड़ा। मैं जैसे ही दुकान खोली तो एक आदमी आया, कहता जी हमें बालियां दिखाओ। मैंने बालियां दिखाई, कहता जी भारी दिखाओ। मैं कहा भारी तो नहीं है, 8 रुपये बनेगी। कहता चलो ठीक है, फिर आप ऐसे करो टॉपर्स दिखा दो मुझे। मैंने टॉपर्स दिखाए, उनसे कहता ये तो लेडीज का काम है, तो लेडीज ही आएगी, मेरी फैमिली आएगी तो तब देखेगी। मैं कोई बात नहीं, कहता आप ऐसे करो अपना नंबर दे दो। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया उनको। मैंने विजिटिंग कार्ड दे के तो 2 सेकंड बाद मुझे फ़ोन आया, भाई साहब गुप्ता जी को बुलाओ जी। तो मैं कहा जी गुप्ता जी कौन से? कहते लिफाफे वाले। मेरे आप उसके फ़ोन पे करो बात, कहते उनका स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने उनको देखे, मैंने वो फोन जैसे दिया तो पीछे से मैं आया तो देखा तो मेरी तिजोरी मेरी खुली है, तो मैंने सीसी कैमरे दृश्य देखा। तो लाखों रुपए की शाती राणा चोरी की पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। शुरुआत में पुलिस को भी वारदात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो मामला दर्ज कर लिया। का लड़का है वो दुकान पर काम करता है, एक आदमी उसकी दुकान पर आया, वो कहने लगा भी मुझे जेवर दिखा। उसने जेवर दिखा दिया, उसके बाद वो चला गया, उसका फ़ोन नंबर ले गया। दोबारा उसके पास फ़ोन आया, वही भी मुझे पड़ोस में दुकान है उसके, उससे बात कराओ। वो अपनी तिजोरी खुली छोड़ करके दूसरी दुकान पर चला गया फ़ोन लेकर के। जब वो वापस आया तो उसका एक साथी वहाँ से उसके जेवर उठा लिया, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश चल रही। पुलिस इस तरह की हैरत अंगेज वारदात को जल्दी ही खोल देने का दावा कर रही है, लेकिन चोरों के बेखौफ बुलंद हौसलों ने पुलिस और सराफा बाजार दोनों को सख्ती में डाल दिया है। विनोद धीमान, भास्कर न्यूज, हरियाणा।